नमस्कार दोस्तों, ब्लेस यूट्यूब चैनल आप सब लोगों को स्वागत है। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और एक बात बोलने के चाह रहा हूँ मैं। अभी आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों का पास मिलने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे। देखिए असम में क्यों बोले तो असम में पानी होता बोल के सबको मालूम है। असम में ज़्यादा बाढ़ होता है, असम में पानी पानी होता है, लेकिन अभी असम में पानी नहीं है, पूरा सूख गया है। पानी पूरा अभी निकल गया है। यहाँ पर पूरा रास्ता का ऊपर में जो साइकिल चला के आ रहा हूँ इसका ऊपर भी पानी हुआ था, लेकिन एक महीने पहले अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश है और वहाँ पे बहुत पानी है। 99 आदमी तक मर गया बोल के सुन रहे, और उसके लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाया है। अभी देखो कितना सूख गया है, यहाँ पे कुछ भी बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, बादल है लेकिन बारिश नहीं है। बादल देखो कितना बादल है लेकिन बारिश नहीं है। बारिश नहीं होने से वजह से अभी पूरा सूख गया है, देखो पूरा धूल धूल जैसा हो गया है। और गाय बैल पानी खाने के लिए भी और थोड़ा दिन के बाद नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा पानी किधर किधर भी है, लेकिन वो भी सूख जाएगा। धूप इतना धूप मार रहा है कि आदमी अंदर तक रहने के लिए नहीं हो रहा है, पैर का नीचे भी नहीं रुक सकता है, इतना धूप मार रहा है। और पानी पूरा सूख गया, देखो कैसा हो गया, मैला जैसा पानी हो गया है। अभी यूपी योगी आदित्यनाथ का देश में पूरा पानी है और वहाँ पे बारिश ही बारिश है, और 19 आदमी अभी तक मर चुका है। और कितना आदमी अभी पुलिस प्रशासन पूरा उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फोटोग्राफी के साथ दिखाऊंगा मैं, और मेरा वीडियो आप लोग देख के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग सहारा नहीं दिए तो मेरा जैसा गरीब आदमी आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पाता। इसलिए आप लोग मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए और दुआ कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को हर एक जगह दिखाने के लिए मैं आप लोगों का दुआ से दिखा सकता हूँ। अभी देखो पूरा पत्थर निकल गया है, पूरा गाय बैल अभी पत्थर में है, उसको पानी खिलाने के लिए आ रहा हूँ। इतना धूप ज़्यादा है कि गाय बैल भी पत्थर में मैं नहीं रह सकता है, इसीलिए अभी पानी खिलाने के लिए आ रहा हूँ। पानी खिलाने के बाद उन लोगों को छांव में लगाना पड़ेगा, और क्यों बोले तो गाय बैल रस्सी लगा के बांध कर रखना पड़ता है। क्यों बोले तो किधर किधर भी खेत है, आप लोगों में पहले वीडियो भी दिखाया था पूरा मतलब खेत है, इसीलिए उन लोगों को रस्सी डाल के लगाना पड़ रखना पड़ता है। और उसके लिए अभी आया हूँ मैं पानी खिलाने के लिए। देखो मेरे को देख के कैसा देख रहा है मेरे को घूर घूर के, क्यों बोले तो उनको उन लोगों को पानी पीने का टाइम हो गया, और पूरा घास है यहाँ पे बांध के रखा हूँ। और अभी गाय बैल को पानी खिलाऊंगा, कहाँ पे पानी खिलाऊंगा अभी मैं जहाँ पे दिखाया था पहले वहाँ पे लेके जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे पानी खिलाऊंगा। और थोड़ा दिन के बाद वहाँ पे भी पानी नहीं मिलेगा, बहुत दूर लेके जाना पड़ता है उन लोगों को पानी खिलाने के लिए। पानी पूरा सूख जा रहा है, क्यों बोले तो बारिश बहुत कम है इस साल में, इसीलिए ऐसा हो रहा है, पूरा ज़मीन सूख जा रहा है पूरा, मतलब क्या हो गया समझ में नहीं आता है। और देखो इन लोगों को अभी लेके जाके मैं पानी खिलाऊंगा, रस्सी से बांध के रखा हूँ, तीला लगा के ये लगा के देखो ये लगा के बांध के रखा हूँ, अभी इन लोगों को पानी खिलाने के लिए लेके जाता हूँ। मतलब देखिए इतना धूप निकल रहा है कि बादल है, ले फिर भी बारिश नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कितना डिग्री तक सेल्सियस, 37-38 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है इतना यहाँ पे धूप। बोले असम में इतना डिग्री सेल्सियस तक धूप आया तो बहुत गर्मी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कोई गाय बैल कुछ भी मतलब धूप में नहीं रह सकता। अभी क्यों बोले तो दोपहर का टाइम है, इसीलिए गाय बैल को लेकर आके पेड़ का नीचे छांव में लगाया है, वहाँ पर छांव में आके रुक गया है। क्यों बोले तो कोई भी बैल गाय बकरी बकरा सब कुछ आके छांव में रुक जाता है, क्यों बोले तो इतना धूप में नहीं रह पाता है, इसीलिए पेड़ वगैरह भी पत्थर में है उसके लिए भी रखा है, लेकिन आदमी भी
रुकना है, पूरा गाय बैल भी रुकना है, क्यों बोले तो इन लोग भी जो है जो भगवान का ही है, दिया हुआ है, और इन लोगों को भी संभालने का काम हम लोग का ही है, इसीलिए इन लोगों को भी आके लेके आके सौ में लगाया है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि विलेज से बिलोंग कर रहा हूँ, और आप लोग दुआ कीजिए, सहारा दीजिए, और मेरा वीडियो आगे बढ़ने के लिए, मेरा चैनल आगे जाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग पास में मतलब क्या बोलो, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, और आज के लिए इतना ही है।